तो आप लोगों को देख के ही पता चल गया होगा कि आज मेरी रेसिपी क्या है। तो आज मैं बना रही हूँ डाब चिंगड़ी। डाब चिंगड़ी बेसिकली टेंडर कोकोनट से बनता है और आप देख सकते हो कि ये जो है ये है टेंडर कोकोनट का ओपनर। इसके एच के थ्रू मैं इसको ओपन कर लूँगी। आप देख सकते हो कि पानी भी निकल रहा है, यहाँ पे होल हो गया है। अब मैं इसी तरह से पानी को छान लूँगी। मैंने दूसरे टेंडर कोकोनट से भी इसी तरह से पानी को छान लिया है निकाल कर। टेंडर कोकोनट को हम बंगाली में डाब बोलते हैं और इसके अंदर ही हम आज प्रॉन्स को पकाएंगे। प्रॉन्स यानी बंगाली में हम इसको चिंगड़ी बोलते हैं, इसीलिए हम डाब चिंगड़ी पूरा नाम देते हैं और ये बंगाल की ऑथेंटिक डिश है। तो हम इस तरह से जो डाब है उसको होल कर लेंगे और इस तरह से हम इसका फ्लैशेस जो है अंदर का जो मलाई है उसको स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। दोनों डाब में से हम जब स्पून की हेल्प से इसी तरह से पूरा मलाई को निकाल के एक बोल में रख देंगे। उसके बाद अच्छे से हम डाब को क्लीन कर, आप देख सकते हो कि मेरा जो डाब है मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ये जो मैंने दोनों डाब को साइड पे रख देना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा ब्राउन कलर का नारियल होता है उसका भी हम नारियल को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और दो तरीके का चिंगड़ी मैंने लिया है, चिंगड़ी यानी प्रॉन्स। एक प्रॉन्स मैंने यहाँ पे टेल वाला लिया है, आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे मैंने छोटा वाला प्रॉन्स लिया है, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। दोनों प्रॉन्स को अब मिक्स करके हाफ स्पून हमने यहाँ पे हल्दी डाल दिया है और एक चम्मच यहाँ पे नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को मिला सकते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के एक चम्मच घी डाल के, घी यहाँ पे मेन है, उसको प्रॉन्स को पूरा मिक्स करके यहाँ पे फ्राई कर लेना है आपको। जब आपकी प्रॉन्स अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आप एक बोल में उसको निकाल के साइड पे रख दीजिए। बहुत अच्छे से हमारी प्रॉन्स यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब ये जो हमारी जो मलाई है ना, इसको हम ग्राइंडर में डाल देंगे और ये जो हमारा नारियल का जो खोपरा है जो हमने छील के रखा था उसको भी डाल देंगे। साथ में दो मिर्ची, एक दालचीनी, तीन इलायची और चार लौंग को ग्राइंडर में डाल लेना है। और ये जो हमने डाब से पानी निकाला था पहले, उसको यहाँ पे कम हाफ कप डालना है पेस्ट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पेस्ट बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे मैरिनेशन के लिए डाल देंगे उसी बोल पे जिस बोल में हमने प्रॉन्स को निकाला था। तो अब हमने यहाँ पे सारे पेस्ट को डाल दिया। अब ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि प्रॉन्स को हमने जिस पैन में फ्राई किया था उसमें जो तेल और घी जो लगा रहता है ना, अब उसको थोड़ा सा यहाँ पे कचा के डाल दीजिए। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच घी भी मिक्स किया है और हल्के हाथों से आपको सब चीज़ें मिक्स करना है, नहीं तो जो छोटे छोटे प्रॉन्स हैं ना वो टूटने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे आपको वापस थोड़ा सा वो डाब का जो पानी है उसको मिक्स करना है। उसके बाद हाफ़ स्पून यहाँ पे आप नमक मिक्स कर लीजिए, वापस यहाँ पे हाफ स्पून आप हल्दी थोड़ा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा कलर आना ज़रूरी है इसीलिए। उसके बाद आप वापस इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने हाफ स्पून रेड चिली पाउडर को ऐड किया है और ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो है हाफ स्पून सरसों का तेल मैंने यहाँ पे ऐड किया है और चार पांच मिर्ची आपके स्वाद के अनुसार, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर ले। अब हम कोकोनट जो है टेंडर कोकोनट उसके अंदर धीरे धीरे करके पूरा जो हमारा मैरिनेशन है उसको डाल देंगे अच्छे से और एक फॉइल की हेल्प से अच्छे से उसको पैक कर लेंगे। अब आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, अगर आपकी जो कोकोनट है वो अगर कुकर के अंदर अट जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप बड़ा सा गंजी ले लीजिए। यहाँ पे कम से कम दो ग्लास पानी, जहाँ तक आपका जो स्टैंड डूब नहीं जाता वहाँ तक। उसके बाद आप धीरे से ये जो हमारा डाब को उसके ऊपर रख के प्लेट से आप ढक के रख दीजिए। कम से कम 5 से 10 मिनट तक मीडियम आँच में इसको पकने दें। आप देख सकते हो कि हमारा जो डाब है बहुत ही अच्छे से पक रहा है। देखिए डाब के शरीर में पानी भी पूरा अच्छे से लग गया है और इसके भाप से ही ये पकता है। तो अब यहाँ पे मेरा 10 से 15 मिनट बाद मैंने यहाँ पे डाब को निकाल लिया है और आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार तरीके से हमारा डाब चिंगड़ी जो है वो पका है।
और जो हमारा मैरिनेशन हमने किया था ना वो भी बहुत गाढ़ा हो गया है। तो आप भी इसी तरह से गरम गरम चावल के साथ डाब चिंगड़ी को एंजॉय कीजिए। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको यहाँ पे सरसों तेल ऐड नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट सरसों तेल ही इसमें मेन इंग्रेडिएंट है और उसी से ही टेस्ट आता है। तो बन गई ना यहाँ पे हमारी डाब चिंगड़ी, तो आप भी एंजॉय कीजिए।